मध्य प्रदेश के जननायक यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सागर नगर आगमन पर हार्दिक वंदन अभिनंदन। सौजन्य से भारतीय जनता पार्टी सागर। जननायक यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के सागर नगर आगमन पर हार्दिक वंदन अभिनंदन। सौजन्य से युवा भाजपा नेत्री रेशु चौधरी, समस्त मकरोनिया नगर पालिका सागर मध्य प्रदेश। सागर प्रवास पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक समरसता के उद्देश्य के तहत गोपालगंज स्थित एक परिवार के यहां सहभोज का आनंद लिया, जहां अपने यहां भोजन करने पहुंचे सीएम को बुंदेली पकवानों को खाने में परोसा गया। सीएम के भोजन के लिए पहुंचने पर पूरा परिवार उत्साहित दिखाई दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने तय कार्यक्रम के तहत गोपालगंज लाल स्कूल के पास अमित कछवाहा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवार की महिला सदस्यों द्वारा भोजन में बनाए गए बुंदेली व्यंजन का आनंद उठा। चने की भाजी, ज्वार की रोटी, कड़ी भाजी, दाल चावल खाने में परोसा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार का धन्यवाद भी दिया और बनाए गए पकवान की तारीफ की। इस दौरान सीएम के आने से पूरा समाज सहित संबंधित परिवार जनों ने गौरवशाली क्षण बताते हुए प्रदेश के मुखिया की प्रशंसा की। किस प्रकार की अनुभूति फील हो रही है, क्या उनको आपने साझेदार की, किस प्रकार से? लेकिन वो क्या है कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री प्रदेश के तो थोड़े से नर्वस हो रहे थे कि अब पता नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। खाना तो बनाया ही था, दाल चावल कड़ी चने की भाजी, क्या कह रहे थे खाने को? खाना तो उनको खाना पसंद आया, खाना। किस प्रकार का मैसेज जाता है जब इस प्रकार की कोई आयोजन होते हैं? अंदर से तो घबराहट होती है लेकिन बाहर खुशी होती है। खुशी भी होती है और घबराहट की भी होती है, मतलब दोनों चीज़ साथ में ही आ गया। इतना खुशी प्यार कर पाते हैं अच्छे से। ये जो आज मुख्यमंत्री जी आए थे, किस प्रकार का अनुभव फील कर रही हैं आप? मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे पधारी जब इस प्रकार की आयोजन होती है तो इससे संदेश क्या जाता है, क्योंकि आपके समाज के बीच आए हैं, क्या संदेश जाएगा? चलो ठीक कर दो परिवार क्या उन्होंने सहयोग दिया। देखिए कलाकारी की राजनीति आप सब जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी कैसे जानती है। एक तरफ दलितों के नाम पर सहभोज कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिव्यांग दलित जो उनके कार्यक्रम में अपना दुखाड़ा सुनाने जा रहा है वह पिट रहा है। यह इनकी सामाजिक समरसता स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। इस वर्ग के कल्याणकारी कार्यक्रमों में